आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये वाला एनिमे, वो भी हिंदी डब के अंदर। इन्होंने साजिशों का अंत करने में अपनी जान गंवा दी। उन चारों के शरीर ही चोरी हुए जिन चोरों ने उन्हें चुराया। उनका अर्थ स्टाइल जूत्सु वाकई हैरत अंगेज और ताकतवर था। एक और बात है, दरअसल इस मिशन में साय बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है, तो मैंने सोचा एक जवान मंक को हमारे साथ इस मिशन में शामिल करें। खैर छोड़ो, मेरी बात सुनो सोरा। लेडी सुनाडे के सामने अच्छे से पेश आना। सीरियसली ग्रैंड मा सुनाडे के सामने ये नहीं चलेगा। ये सब डराने के लिए बोल रहे हो है ना? नारुतो, सकुरा, सोरा को जरा अंदर लेकर आना। लेडी सुनाडे, अरे जल्दी से माफी मांग। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। तुम पास हो गए, लिफ्ट विलेज में तुम्हारा स्वागत है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। हेलो साय, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, तब तक तुम सोरा के साथ रहो। इसके साथ हमेशा मैं ही क्यों फंस जाता हूँ? छा, तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ रहकर मुझे कोई मजा नहीं आने वाला। तो ठीक है नारुतो, सोरा की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम सब पर एक बोझ हूँ। मॉन, सकुरा और कैप्टन यामाटो को ये नहीं लगता कि तुम एक बोझ हो? हाँ जानता हूँ। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे पिता, वो हमेशा से ही मेरे हीरो थे, वो किसी चीज से नहीं डरते थे। मैं सिर्फ 5 साल का था जब वो मुझे छोड़कर चले गए। मैंने कई बार लोगों को बात करते हुए सुना है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं है। उन्हें खत्म करने का फैसला बिल्कुल सही लिया गया था। ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर भी उन्हें सजा मिली। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने उनके साथ गलत किया था। सोरा, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, जाओ, जो करना है वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, उसने कहा कि ये विलेज उसका होगा, क्या मतलब? ओ कम ऑन, कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ चला गया? मुझे काटने की सोच रहे हो? ठीक है, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। अब ये अकमारू से लड़ने लगा है, यहाँ तो गड़बड़ होने वाली है। ए, नारुतो, तुम वापस आ गए हाँ? और ये कौन है तुम्हारे साथ? इसे तो इस विलेज में कभी नहीं देखा। ओ ये वो, तुम मेरे अकमारू के साथ क्या कर रहे हो? हम इसे पट्टे से बांध कर क्यों नहीं रखते? इसे सिखाओ कि अनजान लोगों पर भौंकना अच्छी बात नहीं है। इसे जिस पर शक होता है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैं टेम्पल ऑफ फायर से हूँ और मैं यहाँ इस विलेज पर कब्जा करने आया हूँ। सॉरी, ये हमारी टीम में नया आया है ना? बस बहुत हुआ, मैं इसके साथ नहीं हूँ। और तुम तो मत ही बोलो गोलू मोलू। तुमने मुझे क्या कहा? तो क्या कर लोगे तुम मेरा? तो फिर ठीक है, हो जाए दो दो हाथ। दोबारा बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं गोलू। अरे यार, ये तीन तो एक से भिड़ रहे हैं। लगता है मुझे कुछ करना ही होगा। बाहर का है? नहीं, ये टीम काकाशी का मेंबर है। ये सब इतने ढीठ है कि ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तुम लोग भी ना, तो क्यों ना अब हम इस अनोखी मीटिंग की खुशी में बारबेक्यू पार्टी करें? और इस बारे में तुम क्या कहते हो? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। हाँ, आप भी तो वहाँ थे, आप चिरुको और बाकी सबको भी जानते हैं, है ना सेंसे? मेरे पिता का नाम काजुमा है, आप उन्हें जानते हैं? सेंसे, इसे वो दिखाइए ना, वही ट्रिक जो आपने मुझे दिखाई थी। ध्यान और फुर्ती, यही इसका राज है। अगर आप मेरे पिता को जानते हैं तो प्लीज आप मुझे उनके बारे में सच बताइए। हाँ, जानता था। आज जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने सम्मान के लिए खत्म हुए, इस पर उनका यकीन था। अब यहाँ से जाना होगा। क्या तुम अभी ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हो? अब दिखाता हूँ। तुम मुझसे बेहतर हो, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा अंदाजा है ये 30 के आसपास होंगे। इस बार थोड़ा अलग होगा, ये लैंड ऑफ फायर के कुछ खतरनाक शिनोबी हैं। आज की रात तुम सबकी जिंदगी की आखिरी रात है। शुरू करो। अब तक साय ठीक नहीं होता, सोरा उसकी जगह काकाशी की टीम में लेगा। क्या? अरे इसकी क्या जरूरत है? वैसे तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? मना करने की कोई तो वजह होनी चाहिए। अच्छा कैप्टन यामाटो, एक बात तो पूछना भूल ही गया। लेकिन उसके बाद तुम पूरा ध्यान बस ट्रेनिंग पर ही दोगे। आपने कहा था कि आप वुड स्टाइल बनाते हैं, अर्थ और वाटर स्टाइल को मिलाकर। क्या आगे चल के मैं भी वाटर स्टाइल या ऐसा ही कुछ सीख पाऊंगा? या तो आप उसके साथ पैदा होते हैं या नहीं। हम में से हर कोई एक अलग चक्र के करीब होता है। ओ, फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी कोशिश करता हूँ। तुम्हारा सिर्फ यही सवाल था? तुम्हारी हमेशा ये टीम नहीं रहने वाली, तो इन पर इतनी मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। तो बेहतर होगा दोनों को ही आगे रखो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, और जितना सपोर्ट दे सकते हो दे दो। ऐसे तुम्हारी बात तो सही है। मैं सच कह रहा हूँ, ये एक दिन में कोई नया फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं सीखने वाले। असुमा सही कह रहा है, इसलिए कुछ वक्त के लिए तुम सबको अपनी ट्रेनिंग खुद ही करनी होगी। पर असुमा, तुम्हारे पास फिलहाल कोई काम नहीं है ना? मुझे यकीन है असुमा तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से कर लेगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ असुमा सेंसे। तो ये सब कुछ तुम दोनों ने किया है? बिल्कुल सही। अगर समझ गए हो तो अपने कुनाई नाइव्स निकालो और फेंको। मेरी बात सुनो, मैं कुछ अलग दिखाई दिया? पुल बहुत छोटा है। बिल्कुल सही कहा, जिससे तुम अपने विंड चक्र की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। कि तुम्हें अपने विंड चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए,
तो आसान भाषा में, जितना तुम भटकोगे उतना बड़ा होल होगा। कितने कुनाई फेंकते हो ये ट्रेनिंग उसके लिए नहीं है, इस बारे में है कि कौन कितना फोकस रहता है। हाँ, ये तो सोरा का है। तो आपको कोई खबर मिली है क्या? चिरिकू का संदेश है। बताऊँ, एक बहुत ही अलग तरह की खबर हमें सोरा के बारे में मिली है। कासुमा सोरा का पिता है? ये वो राज है जिसे हमने 10 साल से छुपा कर रखा है। सही, मुझे खबर मिली, मैं टेंपल तक दौड़ता हुआ गया। वहाँ पर मैंने अपनी आँखों से जो मंजर देखा वो बहुत दर्दनाक था। साइड में हो जाइए, स्ट्रेचर आ रहा है। ए, तुम ठीक हो? मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी था इंसान नहीं था। इन्हें ले जाना होगा। न जाने अचानक सोरा को क्या हो गया, बेकाबू हो गया। हमने सोरा को रोकने की कोशिश की पर देख ही रहे हैं क्या हुआ। उसके बाद हमने सोरा पर कड़ी नजर रखी, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए सोरा को लगता है कि वो यहाँ का है ही नहीं। उन दोनों में कई समानताएं हैं। सही कहा। तो चलो, बस बहुत हुआ, अब ट्रेनिंग कल करेंगे। यस, क्या बात है, कल भी ट्रेनिंग होगी। ऐसा क्यों बोला मैंने? ओके, आज तो मैं जम के ट्रेनिंग करूंगा। मुझे तो यकीन नहीं होता, इतनी सी उम्र में क्या कमाल का स्टेमिना है। ये लो तुम्हारे नूडल्स, देरी के लिए माफी। बिल दीजिएगा प्लीज। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, ट्रेनिंग तुम दोनों को खुद ही करनी होगी। तो फिर ठीक है, जाकर ट्रेनिंग करते हैं, चलो। थोड़ा रुको, चलो जरा मेरे साथ आओ। ओ, तो हम पहुँच गए। हे, रुको जरा, क्या ये सच में, ये तो मेरा, पर कैसे? तो क्या कहते हो इसके बारे में? पर आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई एक चीज देता है तो तुम्हें उसे क्या कहना चाहिए? अचानक क्या हुआ, मुझे लगा वो मेरे पीछे ही है। कैसे हो तुम? मेरे पीछे फिर से आ गए? तो अब तुम उन सब लीफ विलेज वालों के साथ हो। मैंने तुमसे कहा था ना, कुदरत ने तुम्हें लाजवाब ताकत दी है। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो बच्चे। जिसने तुम्हारे पिता को मारा है, सोमा सारुटोबी। ये तुम पर है, तुम्हें मेरी बातों का यकीन करना है या नहीं। डेंजो चला गया से क्या मतलब है तुम्हारा? सोरा, ये क्या चल रहा है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? चुप हो जाओ। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना।